भाई उधर जो सिस्टम है, स्पीकर है उसे जरा हट के रखेंगे। मोदी 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 मोदी। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीट जीतने वाली है और जीत चुकी है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए हैं, पुष्प वर्षा हो रही है, तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा आप लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। मोदी 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 मोदी। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि इस साइड में रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी भाजपा के मुख्यालय में आ चुके हैं। बस कुछ ही सेकंड के अंदर आपके बीच में आने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की 350 सीटों से अधिक विजय हुई है और भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीट जीती है। चेक 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 टेस्टिंग। इस अवसर पे दिनकर जी की कविता मुझको ध्यान आती है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, ऐसे हमारे सबके नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। वो आ चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इनके प्रतिमा पे जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में है उसमें माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण के बाद आप सबके समक्ष आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय में आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में। एक बार जरा यहीं से तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। मोदी मोदी। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, गांव गरीब किसानों के मसीहा के रूप में काम करने वाले ऐसे हम सबके प्रधानमंत्री जी आपके समक्ष में आने वाले हैं।
हमारे संसदीय बोर्ड के सदस्य माननीय राजनाथ सिंह जी, सुषमा स्वराज जी, शिवराज सिंह चौहान जी, नितिन गडकरी, अपना जेपी नड्डा जी, शिवराज सिंह चौहान जी, आप सबका अभिनंदन कर रहे हैं। आप लोग तालियों के द्वारा आप सबका यहीं से अभिनंदन करें, तेज तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा आप सभी से निवेदन है कि अभिनंदन करें। थावाचंद गहलोत जी, हमारे संसदीय बोर्ड के सदस्य, वह भी आप सबका अभिनंदन और आभार व्यक्त कर रहे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी आपके बीच में हैं। तालियों के द्वारा अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय थावरचंद गहलोत जी, संसदीय बोर्ड के सदस्य आप सबके बीच में हैं। तालियों के द्वारा आपका अभिनंदन करें। संसदीय बोर्ड के सचिव आदरणीय जेपी नड्डा जी आप सबके बीच में हैं, आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आप सबके बीच में, स्वागत करें तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा। माननीय नड्डा जी आप सबके बीच में है, संसदीय बोर्ड के सचिव, स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, वंदे वंदे। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी को 300 से अधिक सीटें पे विजय हासिल हुई है। सिक्योरिटी के उधर जो रिसेप्शन पे पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं, सिक्योरिटी के लोग उनको अंदर आने दें, इस आते में उसको आने दें। जो रिसेप्शन पे कार्यकर्ता लगे थे वो उनको यहाँ आने दें।
भारत माता की। बस कुछ ही समय के अंदर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं, कार्यालय के अंदर आ चुके हैं, आपके समक्ष बस कुछ ही क्षण में आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह के साथ अभी यहाँ पे मंच पे आने वाले हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी प्रतिमा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर है, उसमें माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण के बाद यहाँ पे पहुंचेंगे। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, कई राज्य जैसे हैं, जैसे दिल्ली है, सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीत रही है, हिमाचल प्रदेश में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सभी सीट जीत रही है, गुजरात की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, हरियाणा की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी सीट जीत रही है, अन्य राज्यों में भी मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सभी सीटें जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जीती है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत करने के लिए आप सब यहाँ पे आए हैं, खड़े हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी और आज भारतीय जनता पार्टी के गौरव है कि हम विश्व के सबसे बड़ी पार्टी बने हैं, देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। और सीटों और वे कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जीत चुकी है, और उत्तर प्रदेश में महामिलावटी गठबंधन फेल हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों से अधिक स्थान पे जीती है और राहुल गांधी हार चुके हैं, राहुल गांधी बेटी जी हार चुके हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, इस वक्त महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा सफलता प्राप्त हुई है और बिहार में तो जो गठबंधन के लोग थे उनका सुपड़ा साफ हो गया है, एक तरफा जीत विजय हासिल हुई है। नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ वहां पे हम अधिकांश सीटें जीते हैं। भाई पश्चिम बंगाल में जहां दीदी का आतंक था, भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता प्राप्त हुई है पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन माननीय रामलाल जी आ चुके हैं, आप सबसे निवेदन है कि आपका तालियों के द्वारा माननीय रामलाल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माल्यार्पण कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा पे और पंडित दीनदयाल जी के प्रतिमा पे माल्यार्पण कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई है, भारी सफलता प्राप्त हुई है।
इससे यह प्रतीत हो रहा है कि पूरे देश भर के कार्यकर्ता यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए आए हुए हैं। हाँ, दिल्ली में 7-7 जीते हैं, और जीते नहीं, भारी मतों से जीते हैं, बहुत अधिक रिकॉर्ड मार्जिन से जीते हैं। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां से आएंगे, आप सबका अभिनंदन करेंगे, पूरा देशवासियों का अभिनंदन करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप सबका पूरा देशवासियों का आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, स्वागत करें, हृदय से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें, तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा। आज के इस ऐतिहासिक दिन पे विश्व के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी से निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, तालियों के द्वारा। संसदीय बोर्ड के सदस्य माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय थावरचंद गहलोत जी, माननीय जेपी नड्डा जी, शिवराज सिंह चौहान जी, रामलाल जी से निवेदन करूंगा कि सामूहिक रूप से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आज के इस शुभ अवसर पे, ऐतिहासिक क्षण पे, हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी से निवेदन करता हूं कि आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करें और देशवासियों का आभार व्यक्त करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। मंच पर उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई, जो आज की भारतीय जनता पार्टी के महाविजय के महानायक है, मैं सभी को कहना चाहूंगा कि जोरदार करतल ध्वनि से मोदी जी का हम सब स्वागत करें। मंच पर उपस्थित पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सम्माननीय सदस्यगण, और आज भाजपा मुख्यालय पे और देश भर में सब जगह एकत्रित आए हुए, हर कार्यालय पर एकत्रित आए हुए भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं और देश की जनता को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज देश के अंदर
आजादी के बाद सबसे ऐतिहासिक विजय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। मित्रों, आज इस ऐतिहासिक विजय के लिए, ये ऐतिहासिक विजय के लिए मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के 125 करोड़ की जनता का मन पूर्वक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये विजय जो है देश की जनता की विजय है, ये विजय जो है भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर हर स्तर पर काम करने वाले 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के परिश्रम की विजय है। ये विजय है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, जिसने 2014 से लेकर 2019 तक जिन नीतियों के आधार पर काम किया, सबका साथ सबका विकास की नीति की विजय है। और ये विजय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की विजय है। मित्रों, ये 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के 28 करोड़ गरीब परिवारों को उनका जीवन स्तर उठाने के लिए सरकार के जरिए आजादी के 70 साल के बाद पहली बार सार्थक कदम उठाए। उनका आशीर्वाद, उनका जन समर्थन हमारे विजय का संबल बना है। करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इतने लंबे चुनाव अभियान के अंदर जो परिश्रम की पराकाष्ठा की, वो हमारे विजय का कारण बना है। और मित्रों, मोदी जी ने जो अपनी प्रचंड लोकप्रियता के साथ एक तूफानी दौरा देश का किया, वो हमारी जीत का आधार बनकर एक प्रचंड विजय को हमें दिलाने में गए। मित्रों, कई मायने में यह जीत ऐतिहासिक जीत। देश के अंदर 50 वर्ष के बाद पहली बार कोई पूर्ण बहुमत से शासन करने वाला प्रधानमंत्री फिर से पूर्ण बहुमत के साथ जनादेश लेकर फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। और हम सबको गौरव है के सम्मान, हम सबके सर्वोच्च नेता, हम सबके प्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। मित्रों, दिल्ली की कार्यकारिणी में जब बात हुई कि एक गठबंधन बन रहा है, महागठबंधन बन रहा है, मैंने देश के कार्यकर्ताओं को कहा था कि 50% की लड़ाई लड़ने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता रण मैदान में उतरे। और आज आपके अध्यक्ष के नाते मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि देश के 17 प्रांतों के अंदर जनता ने 50% से ज्यादा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। मित्रों, हमें अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 50% से ज्यादा वोट प्राप्त हुए। मित्रों, ये प्रचंड विजय जो जनता ने दिलाई है, एक और तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जिता है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। करारी हार, देश भर के अंदर 17 यूनिट ऐसे है, 17 यूनिट ऐसे है जहां पर कांग्रेस पार्टी को बिग जीरो मिला है, बिग जीरो मिला है। मित्रों, ये 17 यूनिट है
मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दीव दमन और लक्षद्वीप, ये सब जगह पे कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। मित्रों, ये जीत ने एक और बात भी तय कर दी है कि 50 साल से कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण का वोट बैंक बनाकर आगे बढ़ते थे, तुष्टिकरण का वोट बैंक आगे बढ़े। मोदी जी की प्रचंड लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम, इन्होंने देश के लोकतंत्र की बड़ी सेवा की है। देश में से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण को हमेशा के लिए दफन करने का काम ये जनादेश ने किया है। मित्रों, मैं उदाहरण देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा दोनों इकट्ठा हुए और सपा बसपा जब इकट्ठा हुए तब पूरे देश के मीडिया कर्मियों का कहना था, हमारे साक्षात्कार में भी पूछते थे कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। मगर मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर भी सपा बसपा को हराकर 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। ये प्रचंड विजय जो है, ये प्रचंड विजय दर्शाता है कि आने वाले दिनों के अंदर देश के अंदर ये परिवारवादी पार्टियों का कोई महत्व नहीं रहने वाला, ये जातिवाद वादी पार्टियों का कोई महत्व नहीं रहने वाला है और तुष्टिकरण करने वालों को भी देश की जनता ने बरोबर जड़बा तोड़, मुंह तोड़ जवाब देने का काम ये देश की जनता ने किया है। मित्रों, दो दिन पहले एग्जिट पोल के रुझान आए, कुछ लोगों को रुझान हजम नहीं हुए और मैं आश्चर्यचकित हूं, 21 परिवारवादी पार्टियों ने पूरा दिल्ली सर पर उठा लिया था। घूम घूम कर एक दूसरे को मिलने जाता था, दूसरा तीसरे को, चौथा पांचवे को, छठा सातवें को। उनको लगता था कि ये एग्जिट पोल गलत पड़ने वाला है और ईवीएम के अंदर हम मतभेद खड़ा कर जनता में भ्रांति फैलाएंगे। मगर मित्रों, आज जब जनादेश आया तब एग्जिट पोल से भी आगे जनादेश ने भारतीय जनता पार्टी को जिता। 21 परिवारवादी पार्टियां जो दिल्ली में घूम घूम करती थी, मैं इनको इतना ही सलाह देना चाहता हूं और विशेष कर चंद्रबाबू नायडू को कि इतना परिश्रम अगर आपने वोट प्राप्त करने के लिए किया होता तो आपका खाता शायद खुल जाता। मित्रों, आज इसके साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं। आंध्र के अंदर श्री जगन रेड्डी के नेतृत्व में विजय प्राप्त हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री जगन रेड्डी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ओडिशा के अंदर भी श्री नवीन पटनायक जी को विजय प्राप्त हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री नवीन पटनायक को भी बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। सिक्किम के अंदर श्री पवन चामलिंग जी को और उनकी पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। श्री पवन चामलिंग जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अरुणाचल के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। अरुणाचल के अध्यक्ष और हमारे युवा मुख्यमंत्री
श्री पेमा खांडू जी को भी पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से मैं हृदय से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, गोवा के अंदर 4 विधानसभा के चुनाव थे, उसमें 3 में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की। बंगाल के अंदर बोलो भारत माता की। बंगाल के अंदर इतने अत्याचार और जुर्म और रेगिंग के बाद भी 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, और 5 लोकसभा 5 विधानसभा के चुनाव थे, 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। ये बताता है कि बंगाल के अंदर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी पूरे बंगाल के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाली है। मित्रों, ये जो विपक्ष का पराजय है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड विजय है, वो विजय टुकड़े-टुकड़े गैंग की विचारधारा के खिलाफ, टुकड़े-टुकड़े गैंग की विचारधारा लेकर चलने वाले पार्टियों के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ सबका विकास की विचारधारा का विजय। ये विजय टुकड़ा-टुकड़ा गैंग की विचारधारा के खिलाफ शुद्ध राष्ट्रवाद के विजय का ये विजय प्रतीक है। मित्रों, जब 3 राज्यों के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उस वक्त कार्यकारिणी में मैंने कार्यकर्ता को कहा था कि कांग्रेस जीती जरूर है, हम हारे नहीं हैं। और आज मैं सभी 3 राज्यों के कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं, 63 में से 63 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल तक देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, जिसके देश की जनता 70 साल से राह देख रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने 7 करोड़ गरीबों के लिए उनका जीवन स्तर उठाने का काम किया है, जिसका देश की गरीब जनता 70 साल से राह देख रही थी। चाहे शहर हो, गांव हो, नदी हो, रोड हो, रेल हो, हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया है, जिसका देश की जनता 70 साल से राह देख रही थी। आज देश की जनता ने मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को, मोदी जी की नीतियों को आज मन खोल कर आशीर्वाद दिया है, और उसके सामने विपक्ष जो नकारात्मक एजेंडा लेकर चला, मोदी हटाओ का नारा लेकर चला, अनर्गल आरोप मोदी जी पर लगाता रहा, और भारत की जमीन से जुड़ी हुई, न जुड़ी हुई, कटी हुई विचारधारा लेकर अपप्रचार करते रहे, उनको पराजय का मुंह दिखाने का काम भारत की महान जनता ने किया है। मित्रों, आज विजय के इस क्षण में मैं बंगाल के अंदर विगत 2 सालों में हमारे 80 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए अपनी जान गंवाई है। मैं वो 80 के 80 कार्यकर्ताओं को आज भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से मन पूर्वक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, श्रद्धांजलि देना। केरल और कर्नाटक के अंदर भी
हमारे कई कार्यकर्ताओं का जान गया है, उनको भी मैं श्रद्धांजलि देकर आज इस मौके पर याद करना चाहता हूं। मित्रों, आज जब हम यहां पर विजय का उत्सव मना रहे हैं, देश के हर जिले के कार्यालय पर हमारे कार्यकर्ता उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आज सभी कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है उसको भी साधुवाद देना चाहता हूं कि आपके परिश्रम के कारण ही एक इतना बड़ा विजय हुआ है। मित्रों, मोदी जी के मार्गदर्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में अपना जनाधार बढ़ाया है, संगठन को बढ़ाया है, कार्य क्षेत्र की विस्तृति की है और अब मुझे भरोसा है कि शायद ही देश का कोई ऐसा राज्य बचेगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनावी सफलता नहीं मिलेगी। मोदी जी के अगले 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का कार्यकाल बनने वाला है। मित्रों, विस्तार का कार्यकाल। आज मैं मेरे क्षेत्र के मतदाताओं का भी, गांधीनगर क्षेत्र के मतदाताओं का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे आपने आपका प्रतिनिधि चुनकर देश की संसद के अंदर भेजा है। मित्रों, आज मैं आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने जो नए भारत की कल्पना की है, सशक्त, समृद्ध, शिक्षित, संस्कृत भारत की जो कल्पना की है, आप आइए, देश का नेतृत्व करिए और नए भारत की नींव जो रखी है इस पर एक मजबूत इमारत बनाइए। आजादी के 75 साल जब समाप्त हो, तब मोदी जी ने हम सब कार्यकर्ताओं के लिए और देश की जनता के लिए 75 संकल्प दिए हैं। हम सब का यह दायित्व है और देश की जनता भी हमें इसमें आशीर्वाद दे कि 75 के 75 संकल्प 2022 में समाप्त कर विश्व के अंदर भारत को एक महाशक्ति बनाने का स्वप्न हम मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करें। मित्रों, फिर से एक बार देश की करोड़ों जनता और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से मन से श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देकर और उनके आने वाले कार्यकाल की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री और जिनके नेतृत्व में एनडीए 350 सीटें विजय हासिल की है, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी, परिश्रमी अध्यक्ष भाई अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी और प्यारे भाई और बहनों, आज स्वयं मेघ राजा भी इस विजयोत्सव में शरीक होने के लिए हमारे बीच है।
2019 लोकसभा का जनादेश हम सब देशवासियों के पास नए भारत के लिए जनादेश लेने के लिए गए थे। आज हम देख रहे हैं देश की कोटि कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दिया। मैं भारत के 130 करोड़ नागरिकों का सर झुका करके नमन करता हूं। लोकतांत्रिक विश्व में 2019 का ये जो मतदान का सिर्फ आंकड़ा है, ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। पूरे विश्व की यह सबसे बड़ी घटना है। देश आजाद हुआ, इतने लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन आजादी के बाद इतने चुनाव होने के बाद सबसे अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है, और वो भी 40-42 डिग्री गर्मी के बीच में। ये अपने आप में भारत के मतदाताओं की जागरूकता, लोकतंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूरे विश्व को इस बात को रजिस्टर करना होगा, पूरे विश्व को भारत की लोकतांत्रिक शक्ति को पहचानना होगा। इस अवसर पर मैं इस लोकतंत्र के उत्सव में, लोकतंत्र के खातिर जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया है, जो लोग घायल हुए हैं, उनके परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना प्रकट करता हूं, और लोकतंत्र के इतिहास में लोकतंत्र के लिए मरना ये मिसाल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। मैं चुनाव आयोग को सुरक्षा बलों को इस लोकतंत्र उत्सव की व्यवस्था को संभालने वाले हर किसी को उत्तम तरीके से लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाने वाली व्यवस्था देने के लिए बहुत ही उत्तम तरीके से चुनाव प्रक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं।
साथियों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण से पूछा गया कि आप किसके पक्ष में थे। मैं समझता हूं उस समय महाभारत के काल में भगवान श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया था वो आज 21वीं सदी में 2019 के इस चुनाव में हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिकों ने, जनता जनार्दन ने श्री कृष्ण के रूप में जवाब दिया है। और श्री कृष्ण ने जवाब दिया था कि मैं किसी के पक्ष में नहीं था, मैं तो सिर्फ हस्तिनापुर के लिए हस्तिनापुर के पक्ष में खड़ा था। आज 130 करोड़ नागरिक श्री कृष्ण के रूप में भारत के लिए खड़े थे, भारत के लिए मतदान किया। और इसलिए देश के सामान्य नागरिक की भावना भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। इस चुनाव में मैं पहले दिन से कह रहा था ये चुनाव कोई दल नहीं लड़ रहा है, कोई उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है, कोई नेता नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। जिनके आंख कान बंद थे उनके लिए मेरी बात समझना मुश्किल था, लेकिन आज मेरी वो भावना को जनता जनार्दन ने प्रकट कर दिया है। और इसलिए अगर कोई विजयी हुआ है तो हिंदुस्तान विजयी हुआ है, अगर कोई विजयी हुआ है तो लोकतंत्र विजयी हुआ है, अगर कोई विजयी हुआ है तो जनता जनार्दन विजयी हुई है। और इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सभी एनडीए के साथी नम्रता पूर्वक इस विजय को जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित करते हैं। इस लोकसभा के चुनाव में जो विजयी हुए हैं उन सभी विजेताओं को मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सभी विजयी किसी भी दल से जीत करके आए हो, किसी भी पार्श्वभूमि से आए हो, लेकिन देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्धता के साथ कंधे से कंधा मिला कर करके भारत के उज्जवल भविष्य के लिए विजयी सभी जन, सभी प्रतिनिधि आने वाले दिनों में देश की सेवा करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं।
चार राज्यों में भी चुनाव थे, उड़ीसा, आंध्र, सिक्किम, अरुणाचल। उन विधानसभाओं में जो प्रतिनिधि चुनकर के आए हैं, उन उन राज्यों की जनता ने जिन सरकारों को चुना है, उनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मैं उनसे भी सरकारों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान को समर्पित है, भारत के संविधान प्रति समर्पित है और फेडरलिज्म पर समर्पित है। और इसलिए इन चीजों को विजय प्राप्त करने वाले लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार उन राज्यों की विकास यात्रा में पूरी तरह कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ चलेगी। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की करोड़ों कार्यकर्ता, उनके परिश्रम, उनका पुरुषार्थ, इतना गर्व होता है कि जिस दल में हम हैं, उस दल में ऐसे दिलदार लोग हैं। कोटि कोटि कार्यकर्ता सिर्फ एक ही भाव, भारत माता की जय, और कुछ नहीं। वे कार्यकर्ता, वे भारतीय जनता पार्टी परिवार का प्रत्येक साथी कोटि कोटि अभिनंदन का अधिकारी है, जिसने निस्वार्थ भाव से लोकतंत्र का झंडा ऊंचा रखते हुए देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जी जान से, लोकतांत्रिक तरीके से इस पूरे लोकशाही के उत्सव में शरीक होकर के उसकी आन बान शान बढ़ाने में यशस्वी भूमिका निभाई है। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, और विशेषता ये है कि हम कभी दो भी हो गए, लेकिन हम कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। आदर्शों को ओझल नहीं होने दिया, न रुके, न थके, न झुके। कभी हम दो हो गए तो भी, और आज दोबारा आ गए। दो से दोबारा आने तक इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। दो थे तब भी निराश नहीं हुए, दोबारा आए तो भी न हमारी नम्रता छोड़ेंगे, न हमारा विवेक छोड़ेंगे, न हमारे आदर्शों को छोड़ेंगे, न हमारे संस्कार को छोड़ेंगे।
साथियों, अभी हमारे अध्यक्ष जी चुनाव नतीजों की कुछ हाईलाइट्स बता रहे थे। मैं स्वयं आज काफी व्यस्त था, उसके कारण चुनाव नतीजों पर मेरा ध्यान नहीं था और इसलिए मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है कि कहां क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन अध्यक्ष जी ने जो विस्तार से बताया, मैं आज रात के बाद समय निकाल करके देखूंगा कि आज दिन भर क्या क्या हुआ है। लेकिन जो अध्यक्ष जी ने बताया, ये अपने आप में हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पंडितों को उनकी सारी 20वीं सदी की सोच को छोड़ना पड़ेगा। 21वीं सदी है, ये नया भारत है, ये चुनाव का विजय। कोई कहता है मोदी मोदी मोदी, ये मोदी का विजय नहीं है, ये देश में ईमानदारी के लिए तड़पते हुए नागरिक की आशा आकांक्षाओं का विजय है। 21वीं सदी के सपनों को लेकर के चल पड़े नौजवान का विजय है। ये विजय आत्मसम्मान आत्मगौरव के साथ एक शौचालय के लिए तड़पती हुई उस मां का विजय है। ये विजय उस बीमार व्यक्ति का है जो चार चार पांच पांच साल से पैसों के अभाव में उपचार नहीं करवा पा रहा था, जिसका आज उपचार हो पाया, उसके आशीर्वाद की विजय है। ये विजय देश के उन किसानों की है कि जो पसीना बहा करके राष्ट्र के पेट भरने के लिए अपने पेट को भी परेशान करते रहता है और खुद जहमत उठाता रहता है, ये उसकी विजय है। ये उन 40 करोड़ असंगठित मजदूरों की विजय है जिनको पहली बार लेप के लोगों ने विचार बहुत रखे होंगे, लेकिन इस देश में एक ऐसी सरकार जिस पर लेप का लेबल तो नहीं है, लेकिन 40 करोड़ लोगों के लिए, असंगठित कामदारों के लिए पेंशन योजना लागू करके उनको सम्मान जीवन देने का काम किया है, ये उनका विजय है। उन बेघर जिंदगी गुजारते गुजारते आज पक्के घर में रहने गए हैं, उनका विजय है। और जिनका 2022 तक पक्का घर बनना तय है, उनका विजय है। भाई बहनों, ये विजय उन मध्यम वर्ग के परिवार का है कि जो कानून नियमों का पालन करता रहा, जो देश की भलाई के लिए टैक्स देता रहा, लेकिन न उसे कभी सम्मान मिला और न ही कभी उसको भरोसा हुआ कि जो टैक्स देता है वो सचमुच में देश के काम आता है क्या। 5 साल में उसने अनुभव किया कि जो दे रहा है वो सही जगह पे जा रहा है, सही काम आ रहा है। उस मध्यम वर्ग के मन को जो संतोष हुआ है, वो संतोष इस चुनाव नतीजों में नजर आ रहा है। ईमानदारी को जो ताकत मिली है, उस ताकत को इस चुनाव ने एक नई स्वीकृति दी है। और इस प्रकार से जो बदलाव आया है, उस बदलाव ने ये परिवर्तन लाया है। भाइयों बहनों, हमारे देश में ये चुनाव ऐसा हुआ, वरना आपने देखा होगा 30 साल तक लगातार देश में
विशेष रूप से। वैसे ये ड्रामे बाजी तो लंबे समय से चल रही है, एक ऐसा प्रिंट आउट, एक ऐसा प्रिंट आउट, एक ऐसा टैग फैशन हो गई थी, कुछ भी करो उसको लगा लो, आपके गंगा स्नान करने जितना पुण्य मिल जाता था। उस टैग का नाम था और पूरी तरह नकली, उस टैग का नाम था सेक्युलरिज्म। और नारे लगते थे सेक्युलर एक हो जाओ, सेक्युलर एक हो जाओ। आपने देखा होगा 2014 से 19 आते आते उस पूरी जमात ने बोलना ही बंद कर दिया। इस चुनाव में एक भी राजनीतिक दल सेक्युलरिज्म का ये नकाब पहन करके देश को गुमराह करने की हिम्मत नहीं कर पाया है। ये बेनकाब हो गए। दूसरा, हिंदुस्तान में कोई चुनाव ऐसा नहीं गया जिसके केंद्र बिंदु में महंगाई न रही हो। ये चुनाव ऐसा है जहां महंगाई एक भी विरोधी दल ने आरोप नहीं लगाया। ये चुनाव ऐसा है कि जिसमें हिंदुस्तान के पिछले कोई भी चुनाव उठा लीजिए, सब चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे से रंगे गए थे, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चुनाव लड़े गए थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जवाब देने पड़े थे। ये पहला चुनाव था जिसमें इस देश का कोई राजनीतिक दल 5 साल के शासन पर भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा पाया, चुनाव का एक मुद्दा नहीं। भारत के लोकतंत्र में तीन चीजें कांस्टेंट रही है, इस चुनाव में मिसिंग थी। और इसलिए पॉलिटिकल पंडितों को समझ नहीं आ रहा था किस तराजू से चीजों को तोला जाए। भाइयों बहनों, इस चुनाव ने 21वीं सदी के एक मजबूत नींव हमारे सामाजिक सार्वजनिक राजनीतिक जीवन के लिए निर्मित की है। और मैं चाहूंगा कि जो देश का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, सरकार कौन बने, किसकी बने, कौन आए कौन जाए, वो तो जनता करता ही करती रहेगी, लेकिन भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, अब भारत ने, भारत की जनता ने इस चुनाव में एक नया नैरेटिव देश के सामने रख दिया है। सारे समाजशास्त्रियों को अपनी पुरानी सोच पर पुनर्विचार करने के लिए देश के गरीब से गरीब व्यक्ति ने मजबूर कर दिया है। और वो क्या है, अब इस देश में सिर्फ 2 जाति बचेगी, 2 जाति ही रहने वाली है, और देश इन 2 जाति पर ही केंद्रित होने वाला है। ये जाति के नाम पर खेल खेलने वाले लोगों को ये बहुत बड़ा प्रहार इस चुनाव में हुआ है। और 2 जाति है कौन सी, अब 21वीं सदी में भारत में 1 जाति है गरीब, भारत की 1 जाति है गरीब, और दूसरी जाति है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देने वालों की।
एक वो है जो गरीबी से बाहर आना चाहते हैं, दूसरे वो है जो देश को गरीबी से मुक्त कराना चाहते हैं। ये दो ही जाति है और इसलिए हमें 21वीं सदी में इन दोनों को सशक्त करना है। जो गरीबी से बाहर जिसको लाना है उसको भी सशक्त करना है और गरीबी से बाहर लाने में जो बढ़ चढ़ करके मदद कर रहा है उसको भी ताकतवर बनाना है। ये दो शक्तियां इस देश पर गरीबी के कलंक को मिटा सकती है। इस सपने को लेकर के हमें चलना है। दोस्तों, ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी कालखंड में ये 2019 से 2024 ये 5 साल का कार्यकाल और इतना प्रचंड जनमत, प्रचंड मैंडेट, बहुत बड़ी घटना है जी, विश्व को अचंभित करने वाली घटना। पल भर याद कीजिए, यही समय है जब महात्मा गांधी के 150 वर्ष देश मनाएगा, यही समय है जब 2022 में भारत की आजादी के 75 साल मनाएगा। गांधी 150 और भारत 75, ये हमारे लिए इन 5 साल को 1942 से 1947 के साथ हम प्रतिपल जोड़ करके देखें, 1942 से 1947 देश का हर व्यक्ति जो भी करता था आजादी के लिए करता था, स्कूल छोड़ देता था आजादी के लिए, जेल जाता था आजादी के लिए, खादी पहनता था आजादी के लिए, झाड़ू लगाता था आजादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई करवाता था आजादी के लिए, स्वदेशी का पालन करता था आजादी के लिए। 42 से 47 तक, 47 तक एक जन आंदोलन ने देश को आजादी पाने में बहुत बड़ी मदद की थी। ये 2024 ये कालखंड देश की आजादी के सिपाहियों का स्मरण करने का है और देशवासी भी तय करें कि इन 5 साल का हम 130 करोड़ लोग, उस समय तो जनसंख्या भी इतनी नहीं थी और बड़ी बड़ी सल्तनत को परास्त कर दिया था, आज हम 130 करोड़ लोग हैं। अगर हम संकल्प कर लें कि देश को सभी मुसीबतों से मुक्त करना है, देश को एक समृद्ध राष्ट्र की तरफ ले जाना है, एक विकसित भारत बनाकर के साथ लेनी है, हमारे गरीब से गरीब की सामान्य आवश्यकता है उसको पूर्ण करना है, अगर 2019 से 2024 जो स्पिरिट आजादी का था वो स्पिरिट समृद्ध भारत के लिए बन जाए, स्वतंत्र भारत का वो स्पिरिट समृद्ध भारत का स्पिरिट बन जाए, 2024 के पहले देश को हम नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। और इसलिए दोस्तों कि इस चुनाव को हमें नम्रता से स्वीकारना है, हम सरकार तो बहुमत से बनती है और जनता ने बना भी दी है, लेकिन लोकतंत्र के संस्कार, लोकतंत्र का स्पिरिट
भारत के संविधान का स्पिरिट हमें इस बात के लिए जिम्मेवारी देता है कि सरकार भले बहुमत से बनती हो लेकिन देश सर्वमत से चलता है। और इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से कहता हूं, चुनाव में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन बोला, क्या बोला, मेरे लिए वो बात बीत चुकी है। हमें आगे देखना है, हमें सबको साथ लेकर के चलना है। हमारे घोर विरोधी होंगे उनको भी साथ लेकर चलना है, देश हित के लिए चलना है। और इतना बड़ा प्रचंड बहुमत के बाद भी पूरी नम्रता के साथ चलना है, लोकतंत्र की मर्यादाओं के बीच चलना है। संविधान यही हमारा सुप्रीम है, उसी के छाया में उसी के हर शब्द के भाव को पकड़ते हुए हमें चलना है। और उस काम में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी, हिंदुस्तान का हर कोई नागरिक भी उसी उमंग और उत्साह के साथ हमसे जुड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। भाइयों बहनों, देश ने हमें बहुत दिया है। मैं आज इस पल देशवासियों के सामने भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने इस फकीर की झोली तो भर दी, मेरे प्यारे देशवासियों, आपने इस फकीर की झोली भर दी है, बड़ी आशा अपेक्षा के साथ भरी है। मैं जानता हूं आपकी आशा आकांक्षा, आपके सपने, आपके संकल्प, बहुत कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं इसकी भरी भांति इस गंभीरता को समझता हूं, लेकिन मैं देश को कहूंगा कि आपने 2014 में मुझे ज्यादा जानते नहीं थे लेकिन आपने भरोसा किया, 2019 में आपने मुझे ज्यादा जानने के बाद उसमें और ज्यादा ताकत डाली, मैं इसके पीछे की भावना को भली भांति समझता हूं। मैं भली भांति समझता हूं, जैसे अमित भाई कह रहे थे कि बहुत वर्षों के बाद एक चुनी हुई सरकार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से और पहले से अधिक ताकत के साथ जीत करके आए, इसका मतलब देश की जनता का कितना भरोसा है। और भरोसा जैसे बढ़ता है जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ती है। और इसलिए मैं देशवासियों को कहना चाहूंगा कि आपने मुझे जो दायित्व दिया है, हमारे एनडीए के सब साथियों ने जो हमें समर्थन दिया है, एनडीए के साथियों ने भी मिलकर के पूरी मेहनत की है, तब जाकर के मैं देशवासियों से आज जरूर कहना चाहूंगा। और इसे मेरा वादा मानिए, मेरा संकल्प मानिए,
मेरा समर्पण मानिए, मेरी प्रतिबद्धता मानिए, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि आपने फिर से जो मुझे काम दिया है, आने वाले दिनों में भी मैं आने वाले दिनों में मैं बद इरादे से, बद नियत से कोई काम नहीं करूंगा। काम करते करते गलती हो सकती है, लेकिन बद इरादे से, बद नियत से मैं कोई काम नहीं करूंगा। दूसरा देशवासी, आपने मुझे इतना बड़ा भरोसा, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तब मैं देशवासियों को फिर से कहूंगा कि मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। और तीसरी बात मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूंगा, और तीसरी बात मेरे समय का पल पल, मेरे शरीर का कण कण सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए। मेरे देशवासी, आप जब भी मेरा मूल्यांकन करें, इन तीन तराजू पर जरूर मुझे कसते रहना। कभी कोई कमी रह जाए तो मुझे कोसते रहना, लेकिन मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सार्वजनिक रूप से जो बातें बताता हूं उसको जीने के लिए भरपूर प्रयास करूंगा। मैं आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, राज्यों के अध्यक्ष, राज्यों की टीम, पार्टी के पन्ना प्रमुख तक के लोग, कुछ लोग पन्ना प्रमुख की बड़ी मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन उस पन्ना प्रमुख की ताकत क्या होती है वो इस चुनाव में पता चल गया। पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय प्रमुख तक इन लक्षावधि कार्यकर्ताओं को, उनके परिश्रम को, उनकी प्रतिबद्धता को एक बार हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। माननीय प्रधानमंत्री माननीय अध्यक्ष जी का हार्दिक आभार सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। सभी कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ पे है, जो यहाँ पे कार्यकर्ता है, इसके अलावा जो बाहर खड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं का बेसमेंट वन में भोजन की व्यवस्था है। आप सभी से निवेदन है कि आप भोजन करके जरूर जाएंगे। काफी देर से यहाँ पे खड़े हैं, दोपहर से ही खड़े हैं,
भोजन करके सभी कार्यकर्ता, भोजन भी है और मिष्ठान भी है, जरा आप लोग ग्रहण करके जाएंगे। बहुत बहुत आप सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। भारत माता की जय।